चीनी शीरकुर्मा। ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जिन्हें मैंने रात भर पानी में भिगोकर रखा था और फिर इनके छिलके निकालकर बारीक टुकड़ों में काट लिया है। ये एक छुआरा है जिसे मैंने दिखाने के लिए रखा है। इसमें मैंने 3 छुआरे, 5 काजू, 10 पिस्ता, 1 चम्मच चिरौंजी, 5 बादाम और 1 चम्मच किशमिश ली है। किशमिश भिगोई नहीं है, सिर्फ धो ली है। मैंने 1/2 लीटर फुल फैट दूध लिया है। इसे 5 से 7 मिनट तक उबलने देंगे और इस तरह साइड में जमा होने वाली क्रीम निकाल लेंगे। इस दूध के पैन को दूसरे गैस स्टोव पर बॉईल होने रखेंगे। दूध में उबाल आने तक ड्राई फ्रूट्स घी में शैलो फ्राई करेंगे। इसके लिए पैन को धीमी आंच पर रखकर 1 चम्मच घी डालेंगे। घी गर्म होने के बाद उसमें ड्राई फ्रूट्स के टुकड़े डालेंगे। इन ड्राई फ्रूट्स को धीमी आंच पर ही शैलो फ्राई करना है। जल्दबाजी ना करें, वरना ड्राई फ्रूट्स जल जाएंगे और स्वाद बिगड़ जाएगा। ड्राई फ्रूट्स शैलो फ्राई करने के लिए 3 से 4 मिनट लगते हैं। ड्राई फ्रूट्स की मात्रा आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, निकाल लेते हैं। पैन में 1 चम्मच घी डालकर उसमें 1/3 कप सेवई डालेंगे और इसे भी 1 मिनट तक धीमी आंच पर शैलो फ्राई करेंगे। सेवई अच्छे से शैलो फ्राई हो चुकी है, निकाल लेते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर दूध बॉईल हो चुका है। इसमें फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। इसमें से कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने गार्निशिंग के लिए बचा रखे हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें भुनी हुई सेवई डाल के मिक्स कर लेंगे। चुटकी भर केसर डाल के मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से उबाल आने देंगे। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम पर है। उबाल आ चुका है। इसमें 1/2 कप कंडेंस मिल्क डालेंगे। कंडेंस मिल्क की रेसिपी के लिए आई बटन पर क्लिक करें। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क ना हो तो स्वादानुसार चीनी डालें, लेकिन कंडेंस मिल्क से टेक्सचर और फ्लेवर एनहांस होता है। मिक्स करते हैं। अब बीच बीच में चलाते हुए शीरकुर्मा 6 से 7 मिनट तक पका लेंगे। मिनट हो चुके हैं। 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर डालकर मिक्स करेंगे। 1 मिनट पका लेंगे। शीरकुर्मा ठंडा होने के बाद गाढ़ा हो जाता है। यह ध्यान में रखते हुए आपको जितना गाढ़ा शीरकुर्मा चाहिए उतना पकाइए। सेवई पक चुकी है, शीरकुर्मा रेडी है, सर्व करेंगे। देखिए कितना लाजवाब शीरकुर्मा तैयार है। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और कैसी बनी थी ये कमेंट करके जरूर बताएं। फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।